हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सी डिजाइन की थालपोश। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ये बनाया है। और ये थालपोश आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटे साइज का भी बना सकते हैं। मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप इसे कैसे बनाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ के बना सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। थालपोश बनाने के लिए हम ये सबसे पहले वाइट कलर का ऊन ले रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ऊन को इस तरीके से उंगलियों में लपेट कर एक मैजिक नॉट तैयार कर लेना है, इस तरीके से। और ये हमारा मैजिक नॉट बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे चार चैन, और चार चैन लेने के बाद इस रिंग के अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक चैन लेते हुए, यानी कि 12 डबल क्रोशिया। तो देखिए, एक चैन लेना है, फिर इस रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए हम इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रिंग के अंदर हमने ये 12 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया, एक एक चैन लेते हुए। अगर आपसे ये रिंग तैयार ना हो तो आप इस रिंग की जगह 6 चैन लेके उसका रिंग बना के और ये डबल क्रोशिया बना लें। तो ये हमने इस धागे को पकड़ के इस तरीके से खींच लेना है। और यहाँ पर जो हमने ये चार चैन लिया था, तो हमें तीसरे चैन के ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेना है। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमें तीन चैन बुनना है। तीन चैन बुनने के बाद जहाँ पे हमने चैन बुना, इसी फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है। इसी फंदे में हमने बनाना है, फिर एक चैन लेना है, और फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, ये वाला जो डबल क्रोशिया है नेक्स्ट वाला, इसके ऊपर भी हम दो डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। तो हमने जो फर्स्ट राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसके ऊपर हमें दो दो डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चैन लेकर, देखिए इस तरीके से। अब फिर इसके ऊपर बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। एक चैन लिया हमने और डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और ये हमारा दूसरा रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक चैन लेके और यहाँ पे तीसरे वाले चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब तीसरा राउंड बनाना शुरू करेंगे। तो तीसरे राउंड के लिए यहाँ पे तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद इसी फंदे के अंदर जहाँ हमने ये चैन लिया है, तो ये फंदा दिख रहा है, इसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये तीन डबल क्रोशिया बनेगा। ये जो हमने दो डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर तीन डबल क्रोशिया बनेगा। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पे ये जो दो डबल क्रोशिया है ये वाला, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और इसी फंदे में एक और बना लेंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमारा तीन डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया। और ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसमें हमारा हर राउंड में इस वाले पैटर्न के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ते जाएगा और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो एक चैन लिया हमने और इस चैन के ऊपर हमें कुछ नहीं बनाना है। और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है दो, तो इसके ऊपर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चैन लेंगे, फिर अगले वाले के ऊपर भी सेम तरीके से बना लेंगे, और इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम ये तीसरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने इसी तरीके से बना लिया, सारे जो हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे, और एक चैन लेने के बाद ये तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और हर राउंड में हम इसी तरीके से तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा के राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब अगला राउंड भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, तीन चैन लेंगे, और तीन चैन लेने के बाद ये पहला वाला जो डबल क्रोशिया है, ये जो चैन लिए हैं ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बाकी बचे चैन के ऊपर हम फिर बाकी बचे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाली डिजाइन में हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो ये हमारा 12 पैटर्न इसमें बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये चार डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 हमने एक से शुरू किया था, तो यहाँ से हमारा हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया इसमें बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ हमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही दो डबल क्रोशिया बनाना है, और बाकी बचे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और चैन हम एक एक लेते जाएंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे भी चार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चैन लेके अगले वाले पैटर्न के ऊपर भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फंदे में, फिर बाकी बचे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस पे भी और इस पे भी। देखिए, फिर एक चैन ले लेंगे, और बाकी बचे पैटर्न के ऊपर भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। ये जो हम 12 पैटर्न तैयार कर रहे हैं, तो हर पैटर्न का पहला वाला डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और बाकी बचे डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक एक चैन लेते हुए इसी तरीके से बनाएंगे। और ये जो डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं, तो हर राउंड में हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। और आप इसी तरीके से ये डिजाइन जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा बना लें, फिर हम आगे की डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम टोटल 10 लाइन बनाएंगे, यानी कि 10। तो हमने यहाँ पे ये चार राउंड बना लिया, 1 2 3 4, और हमें 6 राउंड इसमें बनाना है। सेम तरीके से बनाना है, एक एक चैन लेते जाएंगे, और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और बाकी बचे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और हर राउंड में हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये 10 राउंड बना के कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बना के कम्प्लीट कर लिया। हमें इतना ही बड़ा बनाना है, तो मैंने ये 10 लाइन बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 लाइन बनाया है हमने, और इसमें कहीं भी सिकुड़न नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आपको बनाने में थोड़ा सा भी सिकुड़न लगे या झोल आए, तो आप यहाँ वाला जो हमने एक चैन लिया था, तो यहाँ का चैन आप बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन में आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा ये डिजाइन बना सकते हैं। ये चक्र वाला डिजाइन है, तो इसी तरीके से ये हमारा जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा ये वाला डिजाइन बना सकते हैं। और हम एक से शुरू करेंगे फर्स्ट राउंड से, और हर राउंड में हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा, और इस तरफ को झुकते जाएगा इस तरीके से। बहुत ही प्यारा डिजाइन आएगा फ्रेंड्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये व्हाइट वाले ऊन को कट कर लेंगे, और यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा पहले बना लें, फिर हम आगे की डिजाइन बनाएंगे। तो लास्ट का किनारे हम, तो मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगी, मैं आपको एक छोटा सा बना के बता रही हूँ। तो मैंने ये 10 लाइन में बना के तैयार किया है।
देखिए इतना बड़ा बन गया है और हम इसमें लास्ट की किनारी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब हम ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे और ऑरेंज कलर के ऊन को इस फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से जोड़ लेंगे, इस तरीके से आगे को जोड़ने के बाद एक चैन बुन लेंगे। और एक चैन बुनने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जितने डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 10 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 लाइन बनाया है तो यहाँ पे हमारा 10 डबल क्रोशिया आया है हर पैटर्न के ऊपर। तो आप जितना लाइन बनाएंगे उतना ही यहाँ पे डबल क्रोशिया आएगा। तो ये हमारा 10 डबल क्रोशिया है, तो 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 10 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है, ऐसे इस तरीके से। इस धागे को हम इसी में बुन लेंगे जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और हम ये सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने चैन लिया हुआ है एक, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया है तो इसके ऊपर हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरीके से हम सिंगल क्रोशिया की लाइन ये कंप्लीट करेंगे। हमें ये जो हमने चैन लिया है यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और बाकी जितने डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हमें उतने ही सिंगल क्रोशिया बना के ये वाली राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिंगल क्रोशिया की लाइन बना के कंप्लीट कर ली और ये हमने चारों तरफ से इस तरीके से बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगा लिया और स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 चैन ले लिया। 5 चैन लेने के बाद इसके नीचे वाला फंदा हमें स्किप करना है, ठीक जो हमने इसी में बनाया है वो वाला, और उसके बगल वाले से गिनती करेंगे 1 2 3 4, और चौथे वाले में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन लिया और यहाँ से फिर जिसमें हमने बनाया वो छोड़ेंगे और इसके बाद से गिनती करेंगे 1 2 3 4, और चौथे वाले में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम फिर से 5 चैन लेंगे और 5 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से, देखिए इस वाले में हमने बनाया है, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, चौथे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक बार हमें 3 चैन लेना है और एक बार 5 चैन, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर हम गिनती करेंगे, इसमें हमने बनाया और यहाँ से 1 2 3 4, चौथे वाले में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। एक बार हम 5 चैन लेंगे, एक बार 3 चैन, फिर 5, फिर 3, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चैन वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली। एक बार हमने 5 चैन लिया है, एक बार 3 चैन, और इसी तरीके से बनाते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से हमने शुरू करा था बनाना यहीं पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहीं पर, और स्लिप स्टिच लगाने के बाद धागे को ये जो हमने 5 चैन लिया है इस वाले में पास कर लेंगे। यहाँ हमारा 3 चैन है, यहाँ 5 चैन, तो इसमें पास कर लेंगे इस तरीके से। हमने धागे को पास कर लिया और यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1
दो, तीन। तो यहाँ पे हमने तीन चैन ले लिया और तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने चैन लिया है ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा। तो छः डबल क्रोशिया बनाया हमने। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें एक चैन लेंगे और फिर से इसी चैन के ऊपर हम छः डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस चैन के ऊपर हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेके इस तरीके से, यानी कि 12 डबल क्रोशिया बनाना है हमें एक चैन लेके। ये जो हमने पांच चैन लिया है इसी चैन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये पांच हो गया और ये छः। तो इस तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और फिर यहाँ भी हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो टोटल यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है एक चैन लेके। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने तीन चैन लिया हुआ है तो बिल्कुल सेंटर में, ये जो हमने तीन चैन लिया है तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस चैन को इसी में पकड़ के। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगला वाला जो पांच चैन है हमारा, इसके ऊपर सेम तरीके से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेके। देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, दो, तीन, चार, पाँच, छः, फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी चैन के ऊपर हम छः डबल क्रोशिया और बना लेंगे सेम तरीके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। तो देखिए, यहाँ पे छः डबल क्रोशिया बना लिया हमने। तो देखिए, यहाँ पे भी हमने सेम तरीके से 12 डबल क्रोशिया बना लिया एक चैन लेके। और ऐसे ही बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करना है। और ये जो हमने तीन चैन लिया हुआ है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ बिल्कुल ऐसे सेंटर में ऐसे करके और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। फिर अगले वाले पांच चैन के ऊपर हम सेम तरीके से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेके, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमने 12-12 डबल क्रोशिया एक एक चैन लेके, जो हमने पांच पांच चैन बनाया था पहले वाले राउंड में, सारे के ऊपर हमने इसी तरीके से ये बना लिया है। ये देखिए, टोटल हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हमारा जो ये तीन चैन वाला है तो यहीं पर हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसको हम ये वाला जो है तीसरे चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे और स्लिप स्टिच लगा के धागे को यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया, बिल्कुल प्यारा सा। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये ब्लू कलर का ऊन ले रहे हैं, अब हम ब्लू कलर का ऊन लगाएंगे। आप अपनी पसंद का कलर चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे धागे को जोड़ लेना है। देखिए, यहाँ जो हमने ये तीन चैन लिया था जिसको हमने सिंगल क्रोशिया से बांध दिया है, तो इसी में हमें धागे को ये चैन के ऊपर इस तरफ से जोड़ लेना है। पीछे के साइड से इस तरफ से हमने चैन उठाना है पीछे के साइड से और ब्लू कलर वाले ऊन को हम इसी पे जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे तीन चैन, एक, दो, तीन। तीन चैन बनाया,
तीन चैन हमारा ये डबल क्रोशिया माना जाएगा और इसके बाद हमें पांच चैन और बनाना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम टोटल 8 चैन बनाए हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने, तो एक साइड से हमने ये चैन उठा लिया है, अब दूसरी साइड से चैन उठाएंगे इस तरीके से। तो इधर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये हमें चैन उठाना है जो हमने तीन चैन लिया था, ये हमने चैन उठा लिया। अब इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे तीन चैन, 1 2 3। यहाँ पे तीन चैन लेने के बाद ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है, तो जो बीच में हमने एक चैन लिया है तो वहीं पे क्रोशिया इस तरीके से पास करेंगे, और जो यहाँ पे चैन है पांच वाला, ये जिसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है पीछे के साइड से। फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पे जो हमारा ये तीन चैन था जिसे हमने सिंगल क्रोशिया से बांधा हुआ है, इसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे तीन चैन लेने के बाद फिर यहाँ का हम सिंगल क्रोशिया उठाएं, फिर यहाँ का हम चैन उठाएंगे जो हमने यहाँ पे बांधा है उसको इस तरीके से, और इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। डबल क्रोशिया बना लिया, डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें पांच चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। पांच चैन लिया हमने, पांच चैन लेने के बाद फिर से इसके बगल वाला ये सिंगल क्रोशिया के बगल में से फिर एक बार डबल, फिर एक बार चैन को उठाएंगे और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से, देखिए। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे तीन चैन लेंगे, 1 2 3। तीन चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पे जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था, तो बीच में जो एक चैन लिया था, तो यहाँ पे क्रोशिया पास करेंगे और इस वाले चैन के ऊपर इस तरीके से पीछे से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे और यहाँ पे फिर हम सेम तरीके से एक बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे पीछे से उठा के चैन को, फिर पांच चैन लेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पांच चैन इस तरीके से आएगा। तो चलिए इसे इसी तरीके से बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये पीछे से हमें इस तरीके से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम चैन बना रहे थे ब्लू कलर से, ये हमने बना के कंप्लीट कर लिया इस तरीके से पीछे के साइड से, ये देखिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू करा था यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया, स्लिप स्टिच लगा के हम सिंगल क्रोशिया एक इस वाले चैन में जो हम पांच चैन लिए थे इसी के ऊपर बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे लेंगे तीन चैन, 1 2 3। तीन चैन लिया हमने, तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये जो हमने चार डबल क्रोशिया बनाया और एक जो हमने तीन चैन लिया था, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पांच डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसको हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, तो ये जो हमने तीन चैन लिया हुआ है, तो इसी तीसरे चैन के ऊपर क्रोशिया पास करेंगे इस तरीके से, और इस फंदे को हम इस तरफ खींच के और इसे यहीं पे बंद कर लेंगे। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अब यहाँ पे लेंगे तीन चैन, तीन चैन लिया हमने, तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी चैन के ऊपर,
और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से यहाँ पे तीन चैन लेंगे, और तीन चैन लेने के बाद फिर से यहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया बना के एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो यहाँ पे हमने ये पांच डबल क्रोशिया बना लिया। अब पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया को पास करेंगे और इस धागे को हम इस तरफ खींच लेंगे और यहीं पे बंद कर लेंगे। तो ये हमारा, ये जो हमने पांच चैन लिया था इसके ऊपर हमारा इस तरीके से दो पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सात चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यानी कि सेवन चैन। अब सेवन चैन लेने के बाद क्या करेंगे, अगले वाले, ये जो अगला वाला है हमारा पांच चैन यहाँ पे, तो इस पांच चैन के ऊपर सेम तरीके से हम फिर से पॉपकॉर्न यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे पांच डबल क्रोशिया इस चैन के ऊपर, देखिए दो बनाया, ये तीन, फिर चार और ये पांच, पांच डबल क्रोशिया बनाया इस चैन के ऊपर। ये देखिए, ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसी के बीच में जो पांच चैन आ रहा है इसी के ऊपर हमें इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से क्रोशिया को पास करेंगे और इसे इस तरीके से खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेने के बाद इसी चैन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से तीन चैन लेंगे, एक, दो, तीन, और फिर से यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। तो यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया हो गया हमारा। पांच डबल क्रोशिया होने के बाद पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया पास करके इस तरीके से हम पॉपकॉर्न स्टिच तैयार कर लेंगे। तो एक यहाँ पे जो हमने पांच चैन लिया है यहाँ पे इस तरीके से दो पॉपकॉर्न स्टिच हमारा तैयार होगा। तो जितने पांच चैन हैं सारे के ऊपर इसी तरीके से दो दो पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे सात चैन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चैन लेने के बाद फिर यहाँ से इस वाले चैन पे सेम तरीके से बनाएंगे, फिर यहाँ पे जो पांच चैन है इसके ऊपर बनाएंगे। ये तीन जो चैन है इस फ्लावर के पीछे इसके ऊपर नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पॉपकॉर्न वाली रो बना के कम्प्लीट कर ली। ये देखिए इस तरीके से ये दो दो पॉपकॉर्न हमारा इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे हमने सात सात चैन लेते हुए ये डिज़ाइन बनाई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे जहाँ से हमने शुरू करा था इसी वाले पॉपकॉर्न स्टिच के नीचे, और स्लिप स्टिच लगा के धागे को यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब हम आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो आगे की डिज़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, धागे को, तो जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया है तो इसके पीछे जो ये सिंगल क्रोशिया है इसी के ऊपर हमें धागे को जोड़ना है, और ये जो हमने सात चैन लिया हुआ है इसे भी हमें साथ में जोड़ लेना है यहीं पे, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद यहाँ पे हम पांच चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन लिया हमने। पांच चैन लेने के बाद क्या करना है हमें, ये जो हमने यहाँ पे ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है इसी के ऊपर यहाँ पे दोनों पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच फिर से बनाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इसी चैन के ऊपर, ये दोनों पॉपकॉर्न के बीच में जो चैन है उसी के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसका हम एक पॉपकॉर्न स्टिच तैयार कर लेंगे इस तरीके से जैसे हम बनाते आ रहे थे। और यहाँ पे हम फिर से 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर से यहीं पे एक और पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करेंगे इस तरीके से। पांच डबल क्रोशिया बनाकर और हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसका हम पॉपकॉर्न स्टिच इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, ये बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चैन लेने के बाद ये जो 7 चैन है यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे ये जो हमने ये वाला जो पैटर्न के पीछे हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर क्रोशिया पास करके, और ये जो चैन बुने हैं इसको भी हम इसी में सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से हम 5 चैन लेंगे, 5 चैन लिया हमने, और 5 चैन लेने के बाद फिर से ये जो हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाए हैं 2, तो इसको ऐसे करके और यहाँ इसी चैन के ऊपर हम 2 पॉपकॉर्न स्टिच 5 चैन लेके बना लेंगे। तो 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, ये 4 और ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाया हमने। 5 डबल क्रोशिया के बाद इसे हम पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इसी चैन के ऊपर हम एक पॉपकॉर्न स्टिच और तैयार कर लेंगे 5 डबल क्रोशिया बना के। इस तरीके से फिर यहाँ से हम इस तरीके से धागे को खींच लेंगे और पॉपकॉर्न स्टिच तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 5 चैन लेंगे, और 5 चैन लेने के बाद सेम तरीके से फिर हम ये जो हम ऑरेंज कलर वाला पैटर्न बनाए हैं इसके पीछे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर क्रोशिया इससे पास करेंगे, और ये जो हमने 7 चैन लिया है इसको भी हम इस तरीके से करके सिंगल क्रोशिया से यहीं पे बांध लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 चैन ले लेंगे, और फिर ये जो हमने 2 पॉपकॉर्न बनाया है ब्लू कलर से इसके ऊपर हम 2 पॉपकॉर्न रेड कलर से बना लेंगे इस चैन के ऊपर, और ये जो हमने 7 चैन लिया है तो इसको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की मदद से बांध लेंगे, और फिर यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाएंगे, और इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार होगा, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया रेड कलर से जो हम पॉपकॉर्न बना रहे थे, और 5-5 चैन लेते हुए हम इस तरीके से यहाँ पे जो हमने 7 चैन लिया था उसको हम बांध दे रहे थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जहाँ से शुरू किए थे यहीं पे स्लिप स्टिच लगा के और इस धागे को यहीं पे कट कर लेंगे, और यहाँ से हम फिर से ऑरेंज कलर वाला ऊन लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिजाइन आया है। अब हम इसका फाइनल रो बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर वाले ऊन को यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए ऑरेंज कलर का ऊन लिया है हमने, और यहाँ पे जो हमने ये ऑरेंज कलर का बनाया था तो इसमें जो एक चैन लिया था इसी को हम ये जो हम रेड कलर से सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसी के ऊपर जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे।
ये हमने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले चैन के अंदर आ जाएंगे जो रेड कलर से चैन बनाए हैं। तो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे तीन चैन, और तीन चैन लेने के बाद इसमें हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने ये छह डबल क्रोशिया इस चैन के ऊपर बना लिया। छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करना है, ये वाला पॉपकॉर्न स्टिच इस तरीके से उठाएंगे यहाँ पे, और इसे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस पे। देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले चैन के ऊपर भी छह डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये छः डबल क्रोशिया बना लिया हमने। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इस पॉपकॉर्न स्टिच को इस तरीके से उठाएंगे, और इस पे एक इस तरीके से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर से इस वाले चैन के ऊपर छः डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छः डबल क्रोशिया बना लिया हमने इसके ऊपर भी। तो देखिए ये इस तरीके से एक पैटर्न हमारा तैयार हो गया इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें सारे पैटर्न को तैयार करना है। ये देखिए जितने फूल बने हैं सारे फूल के ऊपर हमें इसी तरीके से येलो कलर से ये छः छः डबल क्रोशिया, ये जो हमने पाँच पाँच चैन तीन बार लिया है ये तीनों चैन के ऊपर हम छः छः डबल क्रोशिया इसी तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाला जो पैटर्न है तो इसमें जो हमने एक चैन लिया था इसी चैन को उठाएंगे, और यहाँ जो हम रेड कलर से एक सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसको उठाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया हमारा। अब फिर यहाँ पे छः डबल क्रोशिया इस चैन के ऊपर बनाएंगे, और इस पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसमें भी छः डबल क्रोशिया, फिर इसमें छः डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इसे पकड़ के इसी तरीके से सेम तरीके से स्टिच कर लेंगे, और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा थाल पोस बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने चारों तरफ से ये किनारी बना के कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से ये हमारा डिजाइन आया है। बहुत ही प्यारा सा ये थाल पोस का डिजाइन आया है, और इस तरीके से आप छोटा बड़ा किसी भी साइज का थाल पोस बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके बीच में एक इस तरीके का फ्लावर बना के लगा लेते हैं। तो ये हमने पहले से ही एक फ्लावर बनाया हुआ है, तो मैं एक यहाँ पे ये फ्लावर लगा लूँगी, इससे और भी सुंदर लगेगा। आप अपनी पसंद के कलर के अनुसार इसे डिजाइन कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर है, और बनाना भी बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये डिजाइन। अगर आपको ये डिजाइन थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।